या सिक्स सेंसर चेंज करने के बाद पटाखे फोड़ती है या नहीं फोड़ती, वो भी मैं आपको चेक करके दिखा दूँ। नॉर्मल आप ये सिक्स टाइप का देखना और इसका देखना, आपको पिकअप में बहुत डिफरेंस आएगा। हेलो दोस्तों, मैं साहिल आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के अंदर। आज हम मॉडिफाई करेंगे अपने रॉयल एनफील्ड को। इसके अंदर हम साइड मिरर लगाएंगे, सीट चेंज करेंगे, कस्टम सीट मैंने बनाई है आपके साथ शेयर करूँगा। देन उसके बाद हम करेंगे इसका साइलेंसर चेंज। अभी मेरी बाइक पूरी कस्टम है, इसके अंदर मैंने कुछ भी मॉडिफाई नहीं किया है सिर्फ इसके स्टिकर के अलावा। ये स्टिकर मैंने इसलिए लगाया ताकि थोड़ा ओल्ड लुक आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट है हमारे पास है साइड मिरर, जो कि साइड में ऐसे हैंग हो जाएगा, और ये एलंकी है, एलंकी के साथ ही हम इसको खोल पाएंगे, बिना एलंकी के खुलेगा नहीं। चलिए मैं एक बार खोल के आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने अभी साइड मिरर को कंप्लीट कर दिया है, लगा दिया है। अब मैं आपको कुछ सिनेमेटिक शॉट दिखाता हूँ, जब तक आप वो एंजॉय कीजिए। हमारे पास कस्टम सीट, जो कि मैंने खुद बनाई है। अभी मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ सिंगल सीट में रॉयल एनफील्ड कैसी लगती है। सीट को खोलने के लिए हमारे पास एक की चाहिए होगी, ये 12 नंबर की है। मोस्टली इसके अंदर दो की यूज होती है सीट को खोलने के लिए, एक मेरे पास है, बाकी मैं अपनी किट में से निकाल लेता हूँ। किट यार इमरजेंसी में बहुत काम आती है, आपको मैं बता दूँ। इसको हमेशा कैरी रखना, कई चीज़ों में बहुत यूजफुल है ये। मैं सिंगल सीट लगाने जा रहा हूँ गाइस, मैंने जो लॉन्ग सीट है उसको हटा दिया है यहाँ से, तो अभी शॉर्ट सीट में लगा रहा हूँ। मेरा यार बहुत मन था सिंगल सीट इसे करने का, तो मैंने अपने तरीके से बनवाई है सिंगल सीट। अगर आपको इसकी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इंस्टाग्राम देख सकते हैं, वहाँ पर जाके मुझे DM कर सकते हो। अगर कोई भी सीट के रिगार्डिंग आपको कुछ भी पूछना है तो अभी मैं बस इसे कस देता हूँ। तो गाइस फाइनली गद्दी मेरी लग गई है सिंगल वाली, जो कि मैंने कस्टम बनाई थी। जरा लुक देखो आप और मुझे बताओ कैसा लग रहा है ये। वैसे लॉन्ग में सही लग रही थी या सिंगल सही लग रही है? ये शोकर वाली नहीं है, इसके अंदर ये कस्टम है। थोड़ा ये ग्राउंड स्पेस थोड़ा कम हो गया है, थोड़ा गद्दी का स्पेस कम हो गया, जिससे आपके प्रॉपर पैर आ सकते हैं अगर आपकी हाइट छोटी है। तो मैं प्रेफर करूँगा अगर आप सिंगल हो, अगर रॉयल एनफील्ड चलाते हो, ऐसे कस्टम सीट आप बना सकते हो या आफ्टर मार्केट भी ले सकते हो, जिससे आपको प्रॉपर पैर आपका आ पाएगा। थर्ड है हमारे पास साइलेंसर, जो कि शॉर्ट पंजाब से भी इसे लोग जानते हैं। और गाइस ये है फ्री फ्लो, इसके अंदर कोई भी जाली नहीं है, और ये मेरी बाइक है BS6। आधे लोगों का ये भी डाउट होता है BS6 के अंदर हम कोई आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाए या नहीं लगाए, तो मैं आज आपको आफ्टर मार्केट साइलेंसर चेंज करके दिखाता हूँ इसके साउंड कैसा है। BS6 बाइक पटाखे फोड़ती है या नहीं फोड़ती, ये भी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, और आपका साउंड कैसा आता है आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। निकलिया बड़ी मेहनत से, देखो यार धूप बहुत ज्यादा हो रही है अभी। चलो मैं चेंज करता हूँ। तो अभी मैंने साइलेंसर चेंज कर दिया है, लुक कुछ ऐसा आ रहा है अभी। इसके अंदर मैंने सीट को चेंज किया है, ये मैंने अभी साइलेंसर चेंज किया है आफ्टर मार्केट।
और ये मैंने मिरर चेंज किया है। मैं आपको स्टार्ट करके सुनाता हूँ इसका साउंड कैसा है। मुझे इस साउंड से बहुत प्यार है। अभी इसका साउंड सुनो, नॉर्मल साउंड है इसका, आरपीएम थोड़ा हाई है। मैं इसका साउंड सुनो, मैं इसका आपको साउंड सुनाता हूँ। अभी जो आपने साउंड सुना है शॉर्ट पंजाब का सुना है, और मैं आपको बता दूं इस पे चलान है, तो आपसे रिक्वेस्ट है सोसाइटी में साइलेंसर चेंज करके ना घूम। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सोसाइटी के अंदर साइलेंसर चेंज करके मत घूमिएगा, वरना आपका चलान कर सकता है। और हम ट्राई करते हैं VS6 साइलेंसर चेंज करने के बाद पटाखे फोड़ती है या नहीं फोड़ती, वो भी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो गाइस इसके अंदर पटाखे नहीं फूटेंगे, बिकॉज इसके अंदर EFI इंजन है। जो कार्बोरेटर होता था उसकी वजह से पटाखे फूटते थे, EFI इंजन की वजह से इसमें पटाखे नहीं फूटते। बट अगर आपको ये धुक धुक पसंद है तो आप साइलेंसर चेंज कर सकते हैं। ये है हमारी पूरी कंप्लीट। आपको मैं दिखाता हूँ इसका पिकअप कैसा है। नॉर्मल आप VS6 बाइक का देखना और इसका देखना, आपको पिकअप में बहुत डिफरेंस आएगा। कंप्लीट हो गया पूरा बाइक मेरा। आप मुझे बताना आपको कैसा लगा साइलेंसर चेंज करने के बाद, आपका क्या रिव्यू है, और इन मिरर का क्या कहना है आपका, और ये कस्टम जो मैंने बनाया है इसकी किसका क्या कहना है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा यार। तो कीप सपोर्ट यार। बाकी ऐसी नई वीडियो और आती रहेगी, औजारों पर आती रहेगी, ऐसे नए नए ब्लॉग्स आते रहेंगे, नई वीडियो आती रहेगी ऐसी चीज़ें। आप मुझे बताना अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर वीडियो देखनी है तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। जब तक के लिए लेते हैं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।